जितने भी धार्मिक स्थानों में हमारी प्रार्थना होती है उससे लाखों गुना ज्यादा प्रार्थनाएं अस्पतालों में होती है। मैं सरबजीत सिंह बॉबी शिमला का एक व्यवसायी हूँ जो ये लंगर की सेवा है हमने 2014-25 अक्टूबर को शुरू की हिमाचल के एकमात्र कैंसर अस्पताल जो पिछले 29 वर्षों से यहाँ पर है जिसमें कि हम पेशेंट्स और अटेंडेंट जो पूरे हिमाचल से अपना इलाज करवाने के लिए जाते थे उनकी सेवा के लिए हमने ये सेवा शुरू की। उस वक्त जब हमने शुरुआत की थी तो केवल मात्र चाय और बिस्किट देते थे लेकिन केवल मात्र 3 महीने में और सोशल मीडिया की हेल्प से हमने वहां पर लंगर लगा दिया। बेसिक सोच थी कि हम जब अपने धार्मिक स्थानों पर भंडारे लगाते हैं लंगर लगाते हैं तो वहां पर जो लोग उसको ग्रहण करते हैं वो इतने ज़रूरतमंद नहीं होते लेकिन अस्पताल में जो भी व्यक्ति उस लंगर में आता है वो बहुत एक मजबूर व्यक्ति होता है। कई ऐसे लोगों से हमारी मुलाकात होती है जो हमें बताते हैं कि उन्होंने अभी तक चाय का प्याला भी नहीं पिया। रोजाना सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक चाय बिस्किट और दलिया पेशेंट्स और उनके अटेंडेंट्स को और शाम को खाना मिलता है। लगभग रोज शाम को 500 से 700 पेशेंट्स और अटेंडेंट्स जो अपना इलाज करवाने के लिए दूर पार से आते हैं और कई बारी कुछ ऐसे भी लोग उसमें होते हैं जिनके पास दवाइयों के पैसे भी नहीं तो वो खाना कहाँ से खाएंगे। इसी को सोच में रखते हुए हमने वो लंगर की व्यवस्था वहाँ पर शुरू की। जो मरीज या अभिभावक आ नहीं पाते उनके लिए जो ऑलमाइटी ब्लेसिंग्स की तरफ से उनको उस स्थान के लिए भी खाना भेजा जाता है उनके मरीजों के बेड्स तक और मरीज दाखिल नहीं होते जहां उनकी ठहरने की व्यवस्था होती वहां भी इनको खाना दिया जाता है। ये आइडिया था कि अब इसको सस्टेन कैसे किया जाए क्योंकि रोज का इतना सारा खर्चा जो हमें होने वाला था उसको कैसे चलाया जाए। तो हमने लोगों को एक आइडिया दिया कि अपना बर्थडे अपनी एनिवर्सरी या अपने खुशी गमी का कोई भी त्यौहार हमारे साथ मनाएं और हम केवल मात्र आपसे कुछ रुपए लेंगे लंगर हमारे लोग तैयार करेंगे आपने केवल आकर वहां पर उस लंगर को बांटना है। और कुछ कैंसर के पेशेंट्स या और पेशेंट जो IGMC से आते थे उनको रोटी खाने को नहीं मिलती थी तो हमने एक कंसेप्ट रोटी बैंक का खोला अपने 6 रोटी बैंक शिमला के विभिन्न स्थानों पर बनाए जिसमें कि लोग अपनी रोटियां वो डोनेट कर सकते थे और उसके बाद इस मुहिम में बच्चों को साथ जोड़ा जाए और उन बच्चों से आग्रह किया कि वो अपने लंच के साथ हमारे कैंसर अस्पताल के लंगर के लिए 1 रोटी लेकर आए। मैंने तो 1 रोटी मांगी थी कई बच्चों में अब होड़ मच चुकी है कि मैं 10 रोटी लेकर जाऊंगी मैं 15 रोटी लेकर जाऊंगी। सबके लिए जो सरबजीत सिंह बॉबी जी ने जो फ्री सेवा लोगों के लिए चलाई है लंगर सेवा वो बहुत ही सराहनीय कदम है।